आज हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की uh, जैसे रियल सीक्वेंस है वैसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है बस रियल में टर्म्स uh, रियल होते हैं कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो मान लो जेड वन जेड टू जेड थ्री डॉट डोट डॉट जेड एन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जहाँ एन इक्व टू वन टू थ्री अप टू इन्फिनी लिस्टेड इन सम ऑर्डर एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया और बोल दिया कि सिक्वेंस है ठीक तो ये जो टर्म्स हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन ये आपकी सीक्वेंस कहलाती है क्या कहलाती है सीक्वेंस कहलाती है राइट right? या हम इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज ए ओनली मैपिंग सीक्वेंस इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर राइट ये किसकी बात चल रही है कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस की बात चल रही है ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको एंड गोज टू जेड एन इज कॉल्ड इस इट्स कॉल्ड ए सिक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड एन ऐसे भी डिनोट करते हैं कहीं पे ऐसे डिनोट किया जाता है ठीक हो गया ये तो सीक्वेंस हो गई जैसे मान लिया हमने एक सीक्वेंस ली जेड एन इजिक्वस टू माइनस ये हम बोल सकते हैं आयोटा की पावर एन ठीक एक सीक्वेंस होगी। तो इसके टर्म्स कैसे आएंगे आयोटा की पावर वन आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा फोर अप टू डॉट 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 ठीक है ये क्या होगी आपके सिक्वेंस के टर्म्स ये है आपकी सिक्वेंस है और ये टर्म्स हो गए सिक्वेंस के अब बात करते हैं हम सब सिक्वेंस की सब सिक्वेंस लेट जेड एंड बी एनी सिक्वेंस ध्यान देना बी एनी सिक्वेंस जेड एंड बी एनी सिक्वेंस and n k is strictly increasing sequence. n k is strictly increasing sequence, then z n k is subsequence of of z n. बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है भाई इतना बोल दो समझ जाएगा सामने वाला कि सब सिक्वेंस की बात चल रही है जैसे जेड तो आप जान रहे हैं सिक्वेंस है और मान लिया एन स्क्वायर ये आप जानते हैं इंक्रीजिंग सिक्वेंस ठीक नेचुरल नंबर एन टू की पावर एन इंक्रीजिंग सिक्वेंस टू की पावर एन माइनस वन इंक्रीजिंग सिक्वेंस ये सारी क्या है आपकी इंक्रीजिंग सिक्वेंस है टू एन प्लस वन लो ये भी इंक्रीजिंग सिक्वेंस है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे तो जेड एन स्क्वायर राइट जेट 2n, right? जेट 2n-1, right? जेट 2n+1, ठीक? देखिए, all are, all are subsequence of, all are subsequence of जेट. इतनी बात समझाई. तो ये आपके subsequence के बारे में बात हो गई है. अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस के convergence के बारे में बात करेंगे. डायवर्जन के बारे में बात करेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ठीक है अब कन्वर्जन सीक्वेंस की बात करते हैं हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक लेट लेट जेड एन बी एनी सीक्वेंस बी एनी sequence is said to be is said to be converge to a point to a point z0 if for all epsilon greater than 0 there exist and न बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच देट जेड एन माइनस जेड जीरोन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर एन अफसाइन इसलिए लिखा क्योंकि अफसान पर डिपेंड करेगा ठीक अब जरा ध्यान से देखना इसकी जोमेट्रिकल मीनिंग क्या है जोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है इसका मतलब जरा ध्यान से देखो जेड एन माइनस जेड जीरो इज लेस एन अफसान का मतलब जेड जीरो को सेंटर मानते हुए ठीक एक अपसालन रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया और अपसालन रेडियस का जब सर्कल ड्रॉ किया तो एक फिक्स नेचुरल नंबर के बाद फिक्स नेचुरल नंबर के बाद जितने भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे इस सर्कल के इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए इस सर्किल के क्या होने चाहिए इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए तब जाके हम क्या बोलेंगे कि ये सिक्वेंस आपके कन्वर्जेंट है और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है जैसे अफसा निकोस्ट वन रख लिया तो क्या आ जाएगा जेड जीरो को सेंटर मान के वन रेडियसा सर्कल ड्रॉ कर लो तो एक नेचुरल नंबर एन वन पक्का एग्जिस्ट करेगा जहां से सिक्वेंस के सारे टर्म्स इस सर्कल के अंदर आएंगे मान लिया किसी ने अफसालन को वन बाई कर लिया तो वन बाई के लिए भी क्या होना चाहिए एक सर्कल ड्रॉ होना चाहिए वन बाई टू के लिए भी एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके बाद सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो सीक्वेंस के हैं वो उसके अंदर आए तो हर अफसालन के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए तब जाके हम बोलेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अदर हम अदरवाइज सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी इतनी बात समझ में चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है ठीक जेड एन बी एन ई देन ए पॉइंट देन ए पॉइंट जेड जीरो बिलोंग्स टू सी इट्स कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इट कॉल डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना लिमिट पॉइंट ऑफ जेड एन, इफ एवरी नाइबरुड बहुत ध्यान से देखना एवरी नाइबरुड ऑफ जेड जीरो कंटेन कंटेन ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स Finally, man, finitely many terms of the sequence, the sequence, zn इसका मतलब ध्यान से देखना कि प्रत्येक नाइबोर में इसको हम अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो प्रत्येक नैबोरेट में जेड जीरो के प्रत्येक नैबोरेट में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए अगर ऐसा होता है तो जेड जीरो आपको क्या कहलाएगा लिमिट पॉइंट कहलाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो जेड जीरो आपका लिमिट पॉइंट नहीं कहलाता है अब एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके द्वारा हम समझते हैं जेड एन इक्व टू मैंने मान लिया माइनस वन की पावर एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस है अब इसके लिमिट पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है लिमिट पॉइंट क्या क्या होंगे अभी बात सुन चलिए क्या थी सिक्वेंस जेड एन इक्व टू माइनस वन की पावर एन सबसे पहले इसके सारे टर्म्स लिखो क्या क्या आएंगे पहला माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन डॉट 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 राइट अब ध्यान देखना एक चीज माइनस वन बिलोंग्स टू तो कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब माइनस वन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस तो वन का कोई भी नैबरूट लो माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा डेल बना देता हूं ठीक है हो गया इसका आप कुछ भी ले लो ये फ्री है इसको हम कुछ भी माने तो इतना जरा ध्यान से देखना कि अगर ये माइनस वन है आप अपसाइल रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो आप इतना छोटा ले लीजिए जितना आप सोच सकते हैं क्या बता आप मुझसे ज़्यादा छोटा अप्साइल सोचते हैं लेकिन आप अप्साइल रेडियस का सर्कल जब ड्रॉ करोगे ना ऐसे करके तो मान लिया वन इधर आ रहा है तो माइनस बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आ क्या आ रहे हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे फ़र्क पड़ता है इस माइनस वन से और ये माइनस वन कितनी बार आ रहा है देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार कितनी बार आ गया इनफाइनाइट बार तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस वन के प्रत्येक नेब रूट में सीक्वेंस के कितने टर्म्स हैं है तो एक ही टर्म से माइनस वन ना लेकिन वो है कितने एक कितनी बार आ रहा है एक दो तीन पता नहीं कितनी बार आ रहा है इनफाइनाइट टाइम तो माइनस वन के प्रत्येक नेबर रूट में सिक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहे हैं अर्थात माइनस वन इज लिमिट पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस जेड राइट सिमिलरली वन इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सो लिमिट पॉइंट ऑफ जेड एन उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक का है कि नहीं ठीक हो गया अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद ये तो लिमिट पॉइंट की बात होगी जैसे ये सीक्वेंस थी जेड एन माइनस वन की पावर एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसमें हमने देखा हमारे पास दो लिमिट पॉइंट है एक माइनस वन और एक वन तो ग्रेटेस्ट कौन था ग्रेटेस्ट हो गया और लोवेस्ट हो गया आई बात तो अब यहां से जो सब लिमिट पॉइंट जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है इनके लिए कुछ अलग नाम आए हैं उन दो नाम को डिस्कस कर लेते हैं पहला है लिमिट सुपीरियर और दूसरा है लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर का मतलब है ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट और लिमिट इनफीरियर का मतलब है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट राइट और जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहां बोल देते हैं जेडन इज कन्वर्जेंट अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो सिक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी लेकिन ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो सिक्वेंस मस्ट भी कन्वर्जेंट और एक चीज और नोट ध्यान रखना इफ जेड जीरो इज ए लिमिट पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सिक्वेंस जेड एन देन

इन सभी चीज़ों से बहुत सारी थ्योरी इकट्ठा हो जाती है पर उसको ना रियल एनालिसिस में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पर मैं क्योंकि अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलरिटी की तरफ तो वहाँ पर हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है रियल कॉम्प्लेक्स सिक्वेंसिंग की बस हम यहाँ पर इतना देखेंगे कन्वर्जन कैसे होता है डायवर्जन कैसे होता है सिंपल ठीक है तो ठीक है अब इसके बाद यदि इफ़ जेड एंड सिक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट इज नॉट कन्वर्जेंट देन वी कैन से वी कैन से आइदर जेडन इज डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली ऑसिलेटिंग फाइनाइटली इनफाइनाइटली है ना फाइनाइटली ठीक इतना हो गया एक आध एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन कैसे निकालते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और माइनस वन की पावर एन में हमने बताया था कि जो लिमिट सुपीरियर है वो कितना आ रहा था बेटा वन और लिमिट इनफीरियर कितना आ रहा था आ रहा था माइनस वन इसी तरह अगर आपके पास एक सिक्वेंस में दे दूँ माइनस वन की पावर थ्री एन तो आप इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों बहुत आसानी से निकाल सकते हो है ना क्या आएगा वन और माइनस वन कोई दिक्कत यहाँ तक का ये हो गया आपको क्या करना है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना है जो हाईएस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो उसका लिमिट सुपीरियर कहलाएगा और जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट इन्फीरियर कहलाएगा अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस की जेडन मैं आपको देता हूं ये आपके लिए होमवर्क हो गया जरा सोचिएगा अवश्य साइन एन पाई बाई टू प्लस एन कॉस एन पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर राइट ये प्रॉब्लम है फाइन लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफीरियर और आपको नहीं आएगा तो नीचे से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए ठीक है ना चलिए अब बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ठीक विथ हेल्प ऑफ रियल सीक्वेंस विथ हेल्प ऑफ रियल सीक्वेंस जेड एन इज एनी सीक्वेंस तो इसका मतलब जेड एन क्या होगी भाई इसका भी तो कोई रियल पार्ट होगा और इसका भी तो कोई इमेजिनरी पार्ट होगा है कि नहीं तो हमने इसको क्या लिख लिया एक्स एन प्लस आयोटा वाई वन माना जेड एन कहाँ कन्वर्च कर रहा है जेड जीरो पर तो इस ये जो जेड जीरो है ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है? है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी एक रियल पार्ट होगा और इसका भी एक इमेजनरी पार्ट होगा तो अब हमें क्या करना है कि जो जेड एन के लिए रियल और इमेजनरी पार्ट आया था और इस जेड जीरो के लिए जो रियल और इमेजनरी पार्ट आ रहा है क्या इन दोनों में कोई संबंध है और अगर है तो वो क्या है हम इसको आज जानेंगे और अगर हमें ये आ गया तो उसके बाद हम अगर रियल सिक्वेंस आ रही है तो हम सारा जो सिंगुलरिटीज के कॉन्सेप्ट हैं, उनको बहुत आसानी से हल कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ मैं जेड एन इक्व टू एक्स एन प्लस आयवेटा वाई एन कन्वर्स टू जेड जीरो जीरोक्वस टू एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो, देन एक्स एन मस्ट कन्वर्स टू एक्स जीरो एंड वाई एन कन्वर्स टू वाई जीरो तो आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस दे रखी है तो आप उसमें से उसका रियल पार्ट कंपेयर करो उसका इमेजरी पार्ट करो कंपेयर करो और रियल पार्ट जहाँ कन्वर्स कर रहा है उसको एक्स ज़ीरो मान लो और इमेजरी पार्ट जहाँ कन्वर्स कर रहा है उसको वाई जीरो मान लो तो वह क्या हो जाएगा बेटा कि अगर जेडन कहाँ कन्वर्स कर जाएगा इसके रियल पार्ट प्लस आयोटा इसके इमेजरी पार्ट के पास ठीक है चलिए अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करने का कोशिश करें ठीक है लेट जेडन कन्वर्स टू जेड जीरो सो बाई डेफिनेशन ऑफ सो बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सिक्वेंस कन्वर्जेंट सिक्वेंस क्या होगा फॉर ऑल अपन ग्रेटर एग्जिस्ट एन अफसैलन बिलोंग्स टू एन सच देट क्या होगा बेटा जेड एन माइनस जेड जीरो इज लेस देन अफसैलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर टू एन अपसेल इसकी बात सबको समझ में आ गई ठीक हो गया चलिए अब जेडन क्या है जेडन है एक्स एन प्लस आयोटा वाई एन और जेड जीरो क्या था एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो तो जेड एन माइनस जेड जीरो क्या होगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई एन माइनस वाई जीरो यहां तक कोई समस्या है नहीं है और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा लेस देन फॉर ऑल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन अपसा राइट अब हम इतना जानते हैं कि जेट की वैल्यू जो होती है ना वो लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ मॉडेट और प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ मॉड जेट ये हम जानते हैं अगर इसका उपयोग मैं यहां करूं तो सिंपल सी बात है ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी एक्स एन माइनस एक्स जीरो वाई एन माइनस वाई जीरो इज ऑल्सो लेस देन अपसे ठीक हो गया फॉर ऑल एन इज ग्रेटर टू एन तो यहां से आप क्या बोलोगे यहां से एक चीज समझ में आई दैट इज एक्स एन कन्वर्स टू एक्स जीरो एंड वाई इन कन्वर्स टू वाई जीरो ठीक है तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी अगर जेडन सिक्वेंस जेड जीरो पर कन्वर्च कर रही है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट पे और इसका इमेज पार्ट इसके इमेज पार्ट पे कन्वर्ट कन्वर्च कर जाएगा लेकिन इसका कन्वर्स भी तो ट्री होना चाहिए है ना कन्वर्स में क्या है कि हमने मान लिया कि एक्स एन भैया एक्स जीरो पर कन्वर्स कर रहा है और वाई एन जो है वाई जीरो पर कन्वर्च कर रहा है तो भाई क्या एक्स जीरो प्लस आयोटा वाई जीरो पर कन्वर्ज करेगा हाँ या ना ठीक है और हाँ है तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा चलिए अगर एक्स एन एक्स जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है तो बाई डेफिनेशन इसके लिए एक अप्सालन एग्जिस्ट करेगा एन वन एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा एक्स एन माइनस एक्स जीरो इज लेस देन अपसान फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर वाई एन वाई जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब इसके लिए दूसरा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या होगा वाई एन माइनस वाई जीरो इज ए लेर ऑल n ग्रेटर देन एन टू ठीक है अब ध्यान देना सीक्वेंस एक्स एन भी रियल है सीक्वेंस वाई एन भी रियल है एक सीक्वेंस कह रहा है मैं एन वन से आगे काम कर रहा हूं और दूसरी सीक्वेंस कर रही मैं एन टू नेचुरल नंबर से आगे कार्य कर रहा हूं अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल लिए और सोचिए कि ये कह रहा है कि मैं एक नेचुरल नंबर एन वन से आगे काम कर रहा हूँ एक कह रहा है मैं नेचुरल नंबर एन टू से आगे काम कर रहा हूँ तो दोनों बोलेंगे तुम दोनों में जो बड़ा होगा ना हम दोनों उससे आगे पक्का कार्य करेंगे करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एस एन एक्स एन माइनस एक्स जीरो इज लेस देन अफसालन एंड वाई एन माइनस वाई जीरो इज लेस देन अफसालन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन देन ग्रेटर इक्वल्स टू राइट इतना हो गया तो एक बात मुझे बताओ तो यहां से क्या हो जाएगा जेड एन माइनस जेड जीरो ये तो हमने बोला था अभी रियल पार्ट ऑफ वाली थ्योरी अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स जीरो और प्लस वाई एन माइनस वाई जीरो है ना ये के, ये कह रहा है मैं भी अफ्सालन से छोटा हूं ये कह रहा है मैं भी अफसालिन से छोटा हूं फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन अपसालन ठीक है तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि जेड एन माइनस जेड जीरो इज लेस देन टू अपसाल यहां से क्या मिला हैंस, हैंस, जेड एन जेड जीरो और जेड जीरो क्या है बेटा एक्स जीरो प्लस आई बेटा वाई जीरो तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें यहाँ से ये यह सीखने को मिल गया है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस दे रखी है तो उस कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में आप उसका रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर uh, करो और रियल पार्ट जहाँ कन्वर्स कर रहा है उसको लिख लो और इमेजरी पार्ट जहाँ कन्वर्ट कर रहा है उसको लिख लो तो जो जेडन सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट करेगी रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम उसका इमेजरी पार्ट जहाँ पर इमेज पार्ट कन्वर्स कर रहा है ठीक है अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मान लिया जेडन हमारे पास सिक्वेंस है वन अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आयोटा एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस है ठीक है अब ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है ये आपको बताना है तो सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस में क्या करूंगा इसका रियल पार्ट ढूंढूंगा इसका रियल पार्ट है वन ओवर एन और इमेजनरी पार्ट कितना है बेटा एन माइनस वन ओवर एन तो रियल पार्ट कहाँ कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे इमेजनरी पार्ट कहाँ कन्वर्ज कर रहा है वन पे तो इसका मतलब सिक्वेंस जेड एन कहाँ कन्वर्स की जाएगी जीरो प्लस आयोटा वन इसका मतलब आयोटा पर कन्वर्ज कर जाएगी हाँ या ना बिल्कुल ठीक हो गया अब अगला देखिए अगर ऐसे एक सीक्वेंस अगर मान लो कि जैडन बराबर आपको हमने दे दिया आयोटा की पावर एन ओवर एन दे दिया है ठीक है अब आयोटा की पावर एन ओवर एन दे दिया है तो इसका देखो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है इस सीक्वेंस में रियल पार्ट क्या है इमेज पार्ट क्या है कंपेयर करो और उसके बाद चेक करो कि ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रही है ठीक हो गया अब मान लिया एक सीक्वेंस और मान ली मैंने जेड एन बराबर माइनस वन प्लस आयोटा ओवर एन और एक सीक्वेंस मैंने मान ली जेड एन डैश इज इक्व टू माइनस वन माइनस तो आयोटा ओवर एन ठीक है दोनों सीक्वेंस मान ली अच्छा एक बात बता इसका रियल पार्ट क्या माइनस वन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आयोटा ओवर एंड वन ओवर एन सॉरी ठीक इसका रियल पार्ट क्या माइनस वन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या माइनस वन ओवर एन। ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है माइनस वन पर यह कहाँ कन्वर्च कर रहा है जीरो पे ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है माइनस वन पर यह कहाँ कन्वर्च कर रहा है जीरो पे तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जेड एन कहाँ कन्वर्च करगी माइनस वन प्लस आयोटा ज़ीरो पे और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करगी माइनस वन प्लस आयोटा ज़ीरो पे तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी माइनस वन पर कन्वर्च करी ये सीक्वेंस भी माइनस वन पर कन्वर्च करी है कि नहीं है ना आसान तो आपको क्या करना है आपको करना है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस आपको दे रखी है तो उस कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस में आप उसका रियल और इमेजनरी पार्ट को क्या करो कंपेयर करो और रियल और इमेजनरी पार्ट जहां जहां पर कन्वर्ज कर रही है, उसके हिसाब से आप कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में बता सकते हो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है यहां पे एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया इफ जेड एन एन जेड एन डैश R2 sequence, R2 sequence converge to the same point, converge to the same point, same point, then argument of Zn, limit n tending to infinity, argument of Zn equals to limit n tending to infinity, argument of ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इट इज ट्रू और फॉल्स ये क्वेश्चन कहीं पर आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि अगर दो सिक्वेंस सेम पॉइंट पर कन्वर्स कर रही है तो क्या उनके आर्ग्यूमेंट भी सेम पॉइंट पर कन्वर्स करेंगी तो इसका आंसर होगा नहीं आई बात समझ में आइए अब हम एग्जाम्पल देते हैं ठीक है, है? देखिए एग्जाम्पल मैंने अभी हम एक सिक्वेंस मान लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल आप काउंटर एग्जाम्पल आपको याद भी होना चाहिए हाँ जेडन बराबर हमने मान लिया माइनस वन प्लस आयोटा ओवर एंड और जेड एंड डैस हमने मान लिया माइनस वन माइनस आयोटा ओवर एन दोनों सीक्वेंस अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए भी माइनस वन पर कन्वर्च कर रहा है और ए भी माइनस वन पर कन्वर्च कर रहा है अब जरा ध्यान से देखना माइनस वन फिक्स है बेटा आयोटा ओवर वन पहला आयोटा आ जाएगा है कि नहीं दोबारा आयोटा बाई टू आएगा और नीचे को कह सकते लास्ट इसका जो आर्ग्यूमेंट है ठीक है ये एंगल पहले यहाँ यहां कुछ होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना ये वाला एंगल फिर उसके बाद आगे आएगा कुछ और होगा फिर और आगे आएगा कुछ और होगा तो इस तरह क्या होगा ये कहाँ की ओर कन्वर्ट हो रहा है आप खुद ही देख रहे हो ये पाई की ओर जा रहा है कहां की ओर जा रहा है पाई की ओर जा रहा है तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड कन्वर्ट कन्वर्स टू पाई अब बात करते हैं यहां यहां क्या है सिक्वेंस के टर्म्स आप देख ही रहे हो है ना पहला यहां पर आ जाएगा ठीक ये फिर अगला ये और इधर नजदीक जाने वाला है तो ये अगला और नजदीक जाने वाला है तो ये और पता हो लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये माइनस पाई की ओर चला जाएगा कहां की ओर जाएगा माइनस पाई की ओर तो इसका मतलब लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इज इक्वल्स टू ने टेंस टू माइनस तो साफ-साफ दिख रहा है कि यहां पर ये दोनों सीक्वेंस सेम पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं परंतु इनके आर्गुमेंट सेम पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर रही हैं एक होमवर्क आपको मैं दे देता हूं कि एक सीक्वेंस है -1 की पावर n ओवर n ठीक है और ये सीक्वेंस zn है इसका लिमिट पॉइंट आपको ज्ञात करना है लिमिट पॉइंट क्या होगा ठीक है और ये लिमिट पॉइंट ज्ञात करना अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना अब एक नोट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज क्वाची सीक्वेंस एंड एवरी क्वी सीक्वेंस इज इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट ठीक है अब सबसे पहले एक बात आई यहां पर कॉची सीक्वेंस की सीक्वेंस क्या है इसको हमें जानना होगा ठीक है अब कॉची सीक्वेंस क्या है डेफिनेशन बताता हूं और बाकी इतना सफिशियंट है हमें आगे कॉम्प्लेक्स के जो आगे के चैप्टर हैं उनको समझने के लिए तो हम सीक्वेंस में इतना ही करेंगे राइट क्वी सिक्वेंस क्या है लेट जेड बी एनी सिक्वेंस जेड एन बी एनी सिक्वेंस देन जेड एन इज सेट टू बी इज सेट टू बी क्वी सिक्वेंस क्वी सिक्वेंस if for all epsilon greater than 0 there exist an epsilon belongs to natural number such that z and minus z m is less than epsilon for all n comma m greater than equal to n epsilon hmm. बहुत ध्यान से सोचिएगा इसको ध्यान से देखना एक बार ठीक है मैंने क्या बोला कि एक नेचुरल नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा उससे आगे उस नेचुरल नंबर से आगे के कोई भी टर्म्स ले लो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन अपसारण होना चाहिए ठीक है बेटा ओके राइट तो ये क्या होती है कॉची सिक्वेंस होगी अगर ऐसा हुआ तो एक कॉची सिक्वेंस होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक कॉची सिक्वेंस नहीं कहलाएगी अवसा में तो हम फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा अब हम एनालिटिक फंक्शन की तरफ यूज करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन की तरफ करेंगे और ये चाबी किसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की राइट right? और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने के लिए तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लें और जहाँ पर नहीं आए मुझसे अवश्य पूछें उसके बाद हम एनालिटिक फंक्शन को समझेंगे और धीरे धीरे हम एनालिटिक फंक्शन को ख़त्म करने के बाद सिंगुलरिटी की तरफ रुख करेंगे ठीक है ओके okay.